सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर बने 150 बेड वाले नीलम अस्पताल ने एक और नई शुरुआत करते हुए ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। इस नए ब्लड बैंक का शुभारंभ हलका राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने नीलम अस्पताल में पहुंचकर ज्योति प्रज्वलित करने के बाद रिबन काटकर किया। इससे पहले हलका विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का नीलम अस्पताल पहुंचने पर नीलम अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर प्रेमराज, डॉक्टर नीलम सहित अन्य डॉक्टर साहबान द्वारा उन्हें फूलों के बुके देकर किया गया। सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व अन्य गणमान्य लोगों द्वारा नीलम अस्पताल में शुरू किए गए नए ब्लड बैंक का दौरा किया गया व उक्त ब्लड बैंक में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में उन्हें डॉक्टरों द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर नए ब्लड बैंक में रक्तदान करने आए रक्तदानियों को विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए गए। उद्घाटन समारोह के बाद नीलम अस्पताल द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें नीलम अस्पताल द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विभिन्न बीमारियों के माहिर डॉक्टरों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर हलका विधायक राजपुरा सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि देखो आज बहुत खुशी की गल है पूरे इलाके दे लई कि नीलम हॉस्पिटल जिहड़ा साडा इलाके दा बहुत वड्डा मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल है ते जिन्होंने पिछले 25 साल तो बहुत वड्डियां सेवा जिहड़ियां सेहत दीआं सुविधावां उन्होंने राजपुरा के इन्होंने बाहर आके जो बनूड़ से निर्माण किया जी इतने जरूरत पैंती सी चंडीगढ़ भजन कितने दूजे हॉस्पिटल हस्पतालों के परंतु हूँ मैं सोचता कि जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक तो डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर प्रेमराज जी का डॉक्टर नीतन उन्होंने पूरे परिवार है डॉक्टर परिवार है इन्हों इस पेशे के अंदर जिनी मतलब के जानकारी है या जिन्ना तजर्बा है उस तजर्बे का इलाके की जनता बहुत वड्डा फायदा उठा सकती है और पूरी सुविधावान जड़िया है इस हस्पताल के अज जरा लाइफ लाइन जड़ा इन्होंने ब्लड बैंक जरा इतने शुरुआत की है मैं सोचता कि साढ़े इलाके कित भी नहीं है पहला मतलब के जरा यह ब्लड बैंक है लाइफ लाइन ब्लड बैंक जी नीलम हॉस्पिटल जी शुरुआत हुई है यदा भी बहुत वाला जो फायदा है पेशेंट जो होना सो मैं जिते पूरे हॉस्पिटल के प्रबंधकों विशेष तौर पर जो डायरेक्टर ने डॉक्टर नितिन जी उन्होंने मैं बधाई देना उत्ते पूरे इलाका निवासियों भी मैं ये कहना कि इन सूँ तजर्बे का बहुत सूँ फायदा उठा के अपन सारा कुछ जोड़ा है अपने चैकअप वगैरह सारा कुछ करते हैं टाइम टू टाइम जोड़ा इतने कैंप वगैरह भी लाए जाएंगे हर तरह की जी सेहत सुविधा जी इस हस्पताल मिलन। इस अवसर पर नीलम अस्पताल के प्रबंधक व सीनियर डॉक्टर नितिन ने भी पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान आधुनिक ब्लड बैंक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो नीलम हॉस्पिटल ब्लड बैंक है वो हमने पटियाला लाइफ लाइन ब्लड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट किया। इसको बहुत ही सीनियर क्वालिफाइड टीम जो है वो रन करती है, बहुत क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं जो इसमें 24 आवर्स इसको अवेलेबल सारे सर्विसेज कराते हैं और इसमें जितने भी ब्लड हैं उनकी पूरी टेस्टिंग एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस सारे कंपोनेंट एक्सट्रैक्शंस जिसमें कि हम एक ब्लड से रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स और प्लाज्मा क्रायोप्रेसिपिटेट्स मतलब एक ब्लड से हम चार डिफरेंट कंपोनेंट्स तैयार करेंगे और वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। सारे ब्लड में से ल्यूकोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे जिससे कि ब्लड के रिएक्शन के जो चांसेस है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। तो कहने के बाद ये ब्लड बैंक को रन करने के लिए हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं जिनके नॉर्म्स के हिसाब से ही सारी पेमेंट्स ली जाते हैं। जो ब्लड डोनेट करता है डोनेशन एक सेल्फलेस रीज़न होता है तो जो डोनर है उसको तो कभी कोई पेमेंट नहीं मिलती है उसको तो रिफ्रेशमेंट मिलती है और जो गाइडलाइंस के हिसाब से चार्जेस हैं फॉर ब्लड और कंपोनेंट्स वो जिसको भी लगेंगे उससे चार्जेस लिए जाते हैं। हमारे ब्लड में ब्लड बैंक मतलब ब्लड के अलावा प्लेटलेट्स एफरेसिस की मशीन की भी फैसिलिटी है जैसे डेंगू वाले पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो उसमें सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हैं तो वो मशीन भी हमारे पास उपलब्ध है। अंत में नीलम अस्पताल के प्रबंधकों व डॉक्टरों की ओर से सरदार हरदयाल सिंह कंबोज को विशेष तौर पर सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, News89।
सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।